माता महाकाली, जय सेवालाल, जय बिरसा, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। श्री हरि बालाजी महाराज, उनकी ये देवस्थानम की पुण्य भूमि, क्रांतिकारियों की, वीरों की ये धरती, मैं चिमूर की इस महान मिट्टी को नमन करता हूं। इस भूमि के गोंड सरदार वीर बाबूराव पुल्लेसूर शेलमाके को मैं नमन करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र में चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं, ये आप लोगों ने आज ही दिखा दिया है। ये जन सैलाब बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चिमूर की जनता ने और पूरे महाराष्ट्र ने ठान लिया है, भाजपा महायुति आहे तर गति आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और इस प्रकार का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, इसका मुझे पूरा अंदाज है। और उसमें भी 12-1 बजे ऐसा कार्यक्रम करना, मैं गुजरात में तो नहीं कर सकता था। आपने क्या कमाल कर दिया है जी, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर लहरा रहा है। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र भाजपा को भी बधाई दूंगा, जिसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। AI यूनिवर्सिटी की बात हो, वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट हो, हर घर से पाइप से पानी हो, देहात में पक्का घर हो, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो, इसमें महाराष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए
बहुत सारी योजनाएं और संकल्प की प्रस्तुति है। मैं महाराष्ट्र के आप सभी लोगों को इस संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। साथियों, महायुति के साथ साथ केंद्र में एनडीए की सरकार यानी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार यानी विकास की डबल रफ्तार। महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी, नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अगाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अगाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढ़वण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, आघाड़ी यानी
भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी अगाड़ी यानी खिलाड़ी आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए, आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दल हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है, आपने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आया होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के मेरे कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। और ये हालत बनी कैसे? ये पाप पनपा कैसे? जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370 और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। हमारे देश के बहुत लोगों को पता ही नहीं है, शायद आपके लिए भी बहुत सी जानकारी पहली बार होगी, बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान पूरे देश ने स्वीकार किया, लागू किया, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, इस संविधान की माला जपने वाले लोगों ने 7 दशक से भी ज्यादा समय जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान को लागू नहीं किया था। 7 दशक तक देश आजाद होने के बाद जब तक मोदी नहीं आया तब तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक संविधान जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया, जिसका पालन हम सब लोग करते थे, और दूसरा विधान जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट का जज शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं। कारण 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती।
ये मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया दोस्तों। लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापिस ला करके लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए, जो धारा 370 खत्म हो गई, जो जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, वो जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा, आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। मैं जरा यहां के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? 370 वापस आने देंगे? जम्मू कश्मीर को हमसे दूर रखने देंगे? उनके और उनके साथियों को सजा देंगे? साथियों, हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। इस क्षेत्र ने क्या कुछ नहीं सहा? नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया, हिंसा का खूनी खेल चलता रहा, औद्योगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया। कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। आज ये पूरा क्षेत्र खुल करके सांस ले पा रहा है। अब तिमूर और गढ़चिरौली के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलवाद फिर से ना हावी हो जाए, इसके लिए आपको, कांग्रेस और उसके साथियों को यहां फटकने भी नहीं देना है। मेरी बात मानोगे ना? जरा जोर से बताइए, मानोगे ना? साथियों, बीजेपी और महायुति सरकार हमारा जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं गरीब के जीवन की मुश्किलों को समझता हूं, इसलिए आपका जीवन आसान बनाने के लिए दिन रात काम करता हूं। हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को पीएम आवास मिले, हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। नई सरकार बनते ही हमने
आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दे दिया। हमने गांव गांव सड़क पहुंचाई, बिजली पहुंचाई, करोड़ों परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन मिला। अकेले चिमूर में ही 16 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ हमारे वंचित समाज को हुआ है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, उनको मिला। और ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। महायुति की सरकार इस क्षेत्र में भी गरीबों को मजबूत करने के लिए, उन्हें नए अवसर देने के लिए काम करेगी। साथियों, हमें महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है। आज यहां किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है। चंद्रपुर जिले में और इस क्षेत्र में धान की पैदावार भी होती है। आणि तुमच्या किन्नौरची चव किती मधुर असते। आप सभी को महाराष्ट्र भाजपा की घोषणाएं बहुत मदद करने वाली है। साथियों, हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने के लिए भी आर्थिक सहायता दे रही है। सोयाबीन किसानों को अलग से 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। महायुति की सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। हमने प्याज निर्यात शुल्क को भी कम किया है, ताकि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में किसानों का कांग्रेस और अगाड़ी की सरकार ने बहुत नुकसान किया है। आपको याद है, अपने शासन में इन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को रोक दिया था। महायुति सरकार ने यह काम फिर से शुरू किया। बीते वर्षों में नीलवंडे बांध और कैनाल के काम पूरे हुए हैं। विशाल गोसी खुर्द प्रोजेक्ट भी अब पूरा होने जा रहा है। साथियों, चंद्रपुर के तो बैम्बू दुनिया भर में मशहूर है। ये हमारी सरकार है जिसने बैम्बू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के पुराने नियमों को बदला, कानूनों को बदला, जिसके लिए आपके लिए बैम्बू की खेती आसान हो जाए। गढ़चिरौली और चंद्रपुर में 5 शिल्पकारों की स्किल ट्रेनिंग पर भी हमारी सरकार जोर दे रही है। साथियों, मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस आप आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर, टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है।
यहां चिमूर चंद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दे, आदिवासी के रूप में उनकी पहचान खो दे, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आपस में लड़े, आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। कांग्रेस गौंड समाज को राजगौंड से लड़वाना चाहती है, अरक समाज को प्रधान समाज से लड़वाना चाहती है, कांग्रेस पठारी को सरोटी से, हलवा को हलबी से, कोलम को मन्नेर बारलू से लड़वाना चाहती है। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो। और साथियों, आप जानते हैं अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, और आरक्षण से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसलिए ही कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, चुनाव का समय, चुनाव चल रहे थे और उनकी हिम्मत देखिए, बकायदा उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। अगर आप सोशल मीडिया खोजोगे तो ये सब मिलेगा। और मैं तो यहां के पत्रकारों से आग्रह करता हूं कि जरा 84 की एडवर्टाइजमेंट खोल करके निकाल के दिखाइए इन लोगों को, कैसा पाप किया इन लोगों ने। कांग्रेस तब दबंगों की भाषा बोल रही थी, कांग्रेस ने तो तब भी एक तरह से कह दिया था कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कांग्रेस वाले बोलने की हिम्मत करते थे। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सतर्क रह रहा है। साथियों, हमें चंद्रपुर और महाराष्ट्र के विकास अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये काम केवल और केवल महायुति सरकार ही करेगी। मेरी अपील है, आप महायुति के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए
और साथियों, इतना बड़ा जनसैलाब इस बात की गारंटी बन जाता है कि यहां सबकी सब सीटें आप जिताने वाले हो। आप सभी इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं फिर से एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।